तीस गेंदों के ऊपर पिछहत्तर से ज़ायद स्कोर बनाया था और ऐसे मोमेंट पर आउट हो गए जहाँ पर लग रहा था कि इस्लामाबाद ये मैच ले जाएगा तो कितना आपको अफसोस हो रहा है कि जैसे ही आप डग आउट में वापस गए और एकदम से इस्लामाबाद मैच लूज़ कर दिया हाँ देखें आ, अफसोस जाहिर सी बात है हो रहा था क्योंकि क्रंच मोमेंट में बैटिंग आई थी और तकरीबन साढ़े बारह तेरह की एवरेज थी तो उसको नीचे दस पे लेके आना और आ, उसी मोमेंटम के साथ खेलना आई थिंक वी हैव वन द गेम बट जाहिर सी बात है मैचेस क्रंच मोमेंट में लैपेज होते हैं बट इससे इंशाल्लाह जल्दी सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे जो मैचेस हैं उनमें गलती ना हो आजम जब आप आ, आउट हो गए वापस आए और मनरो आए फिर उसके बाद पे दर पे चार आउट हुए एक्सप्रेशन क्या आ रहे थे आपके अपने आप <laughs> खैर जो एक्सप्रेशन आ रहे हो मैं कह नहीं सकता यहाँ पे लेकिन जाहिर सी बात है आ, क्योंकि हमारे लोअर लोअर ऑर्डर अभी उसी तरह टेस्ट हुआ नहीं है आई थिंक पिछले दो गेम जो थे उसमें थोड़ा पिच भी थोड़ा ट्रिकी था तो उस हिसाब आप से आपको पता है थोड़ी डिफरेंट क्रिकेट आपको खेलनी पड़ती है बट जब आपके सामने इतना बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा हो तो उसमें ये होता है कि टॉप फोर में जो अराउंड एटी रन करेगा तो उसमें फिर बाकियों का ये काम होता है कि वो आके नीचे छोटे छोटे, छोटे कैमियों खेलें तो खुशी ये है कि माशाल्लाह परफॉर्मेंस हुई लेकिन गम ये भी है कि मैच आ रहे लेकिन आ, uh, आने वाले मैचेस के लिए अपने जितने भी बॉयज़ हैं उनको गुड लक कहूँगा और कहूँगा कि अपना सर कभी भी ना गिराएँ काश, हो। काश नहीं होता आउट तो इट वुड वुड बीन डिफरेंट स्टोरी मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं आउट नहीं होता तो शायद पाँच या छः बॉल पहले मैच खत्म हो सकता था जी सलामकुम ऑन द लॉस बट खुद आप बहुत शानदार नॉक खेले और लाइक यू साइड अगर आप आरिफ याकूब के सामने होते

जहाँ तक आरिफ याकूब की बात है उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉल की और डेथ में आके जाहिर सी बात है जब स्पिनर लगा हुआ होता है तो क्रंच मोमेंट पर स्पिनर्स के भी हाथ पैर कांपते हैं तो आ, मुझे पता था कि मेरे सामने आरिफ याकूब को नहीं लगाएंगे मुझे लगता था कि मेरे सामने वो वॉल्टर ही आते बॉल कराने लेकिन आ, जिस बॉल पर मैं आउट हुआ वो मेरे जोन में ही था लेकिन आरन एग्जीक्यूट लेकिन इनिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए और कोशिश करूँगा कि आने वाले मैचेस में भी इसी तरह खेलूँ और टीम को जीत की तरफ लेके जाऊँ आजम आपको लगता है कि जो ऑल अटैक स्ट्रेटजी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो आज फिर से बैक फायर की है और दूसरा ये बता दें आपकी पर्सनल अपनी इनिंग्स तो बहुत अच्छी थी लेकिन काउंटर पार्ट बाबर आजम की सेंचुरी हुई है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं देखें इस्लामाबाद की हमेशा से ये अप्रोच रही है लेकिन आ, अगर आप पहला मैच देखें जिस तरह हमने चेस किया उसमें हमने स्मार्ट क्रिकेट भी खेली है इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम हर बॉल पर अटैक कर रहे हैं हम लोग स्मार्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और जाहिर सी बात है जब क्रंच मोमेंट्स पे थोड़ा आपको और स्मार्ट होना पड़ता है और आ, बॉल बाय बॉल खेलना पड़ता है और काफ़ी एक आध बॉलर को टारगेट करके आपको खेलना होता है लेकिन जाहिर सी बात है आ, मेरे ख्याल से पंद्रह ओवर थे जब बाबर आजम फिफ्टी टू पर थे उसके बाद उन्होंने अपने साठ रन किए आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल और जिस तरह वो नए शॉट्स उन्होंने डेवलप किए हैं आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर हिमसेल्फ ठीक है थैंक यू जेंटलमैन थैंक यू फॉर योर टाइम थैंक यू